इंडिया पोस्ट जीडीएस का आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि यहाँ पे जो है आप लोगों का बहुत सारा लिस्ट जारी होता है, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो सेकंड भी आप लोगों का जारी होगा, थर्ड भी आप लोगों का जारी होगा, और जैसे जैसे आप लोगों का लिस्ट नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आप लोगों का कट ऑफ है वहाँ पे कम होता जाएगा। तो अभी जो है कम कट ऑफ वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और अभी आप अपना जो यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो थर्ड मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि आप लोगों का नाम आ जाए। अब किस तरीके से मेरिट लिस्ट चेक करना है वो मैं आप लोग वहां पे बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आप लोग वहां पे पिन मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जो है क्लिक करके आ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलता है। लेटेस्ट अपडेट में आप लोग को थोड़ा सा नीचे चेक करना है, यहाँ पे देख पाओगे इंडिया पोस्ट GDS थर्ड मेरिट लिस्ट 2023 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे रखा है किस तरीके से आप लोग को लिस्ट चेक करना है, पूरा इंपॉर्टेंट डेट भी बताया गया कि अगर आप लोग का लिस्ट जारी हुआ है तो कब तक जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सब कुछ आप लोग वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देख पाओगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों का बिहार के लिए यहां पे जो क्लिक हेयर का लिंक दिया गया है इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो बिहार रीजन का आप लोगों का जो लिस्ट है वहां पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों को सभी रीजन का लिस्ट चेक करना है तो यहां पे देख पाओगे चेक थर्ड मेरिट लिस्ट ऑल रीजन का ऑप्शन है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए किसी अदर स्टेट का देखना है जैसे कि असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, किसी अन्य स्टेट का आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का वेबसाइट ओपन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पे आपको आना और यहां पे जिस भी स्टेट का आप देखना चाहते हैं उस पे आपको चले जाना है। मान लीजिए झारखंड का देखना है तो यहां पे झारखंड पे आना और यहां पे देख पाओगे कि आप लोगों का सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो झारखंड वाला जो आप लोगों का लिस्ट है वो यहां पे जो है आप लोगों का ओपन हो जाएगा। अब यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है और यहां पे जिस हिसाब से आप लोगों का नंबर रहेगा उस हिसाब से आप लोगों का यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए कि आप लोगों का एक PWD के यहां पे ग्रेड ए के जो छात्र हैं उनका यहां पे सिलेक्शन हुआ, जिनका यहां पे 79.8% पे यहां पे जो सिलेक्शन हो चुका है। फिर नीचे आइएगा तो यहां पे और भी ऐसे छात्र हैं 70-80 में भी आप लोग यहां पे सिलेक्शन हो चुका है। तो यानी कि जो आप लोगों का कट ऑफ है वो धीरे धीरे आप लोगों का कम रहा है और इस तरीके से आप लोगों का जो लिस्ट है वो यहां पे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों का कट ऑफ काम होता जाएगा। तो यहां पे नाम है वो आप अपने लिस्ट में यहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चेक नहीं करना आता है तो कंट्रोल एफ दबाइएगा या फिर आप लोग को जो है अगर फोन में कर रहे हैं तो 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है और फाइंड इन पेज का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको जो है क्लिक करना है और यहां पे जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। तो आप लोगों का जो लिस्ट में नाम अगर रहेगा तो यहां पे शो कर देगा, अगर नहीं रहेगा तो वो आप लोगों का शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप यहां पे चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।